मंत्री जी, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, माउस के क्लिक के साथ करें, आप सब करें। ये सरकार लोगों की परेशानियों को जानने वाली सरकार है। ये सरकार देश को आगे आने वाले अच्छे दिन लाने वाली सरकार है। लेकिन उनकी एक प्राथमिकता यदि कोई होगी तो यह रेल के माध्यम से देश का विकास होना चाहिए। रेल बढ़ेगी, देश बढ़ेगा। रेल को बढ़ाएंगे तो आगे आने वाले दिनों में पूरी मात्रा में जहां जहां रेल जाएगी, जहां जहां रेल गई थी लेकिन आज कठिन समय से गुजर रही है, उसको ठीक करेंगे तो सही माने में रेल का विकास करने के लिए, रेल का विकास के साथ साथ देश के विकास के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम पा सकेंगे। पूरे देश में हमने पिछले अगले 5 सालों में 8.5 लाख करोड़ रुपया निवेश करने का निर्णय लिया है। पिछले साल करीबन 1 लाख करोड़ रुपया हम लोगों ने बजट में रेल के लिए लगाया। इससे पहले 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कभी भी रेल में निवेश नहीं होता था। हमने कहा है कि अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक कंपनी करेगी जिसमें साझेदारी भाग्य सरकार की होगी, स्वामित्व भी राज्य सरकार का केंद्र सरकार के साथ होगा और कौन सी परियोजना उन राज्य में लानी चाहिए यह प्राथमिकता तय करने का अधिकार भी हम राज्य सरकारों को प्रदान करेंगे। और आज 507 ऐसी गाड़ियां हैं कि जहां पे आप SMS करिए कि क्लीन माय कोच, फौरन आदमी आके आपका कोच क्लीन करके जाता है। आज भी हम लोगों की एक कोशिश है कि गुजरात में भी बड़े मात्रा में विकास हो। गांधीनगर और सूरत ये 2 स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन के नाते बनाए जाएंगे। सूरत के लिए और गांधीनगर के लिए बहुत बड़ा काम हो चुका है कि गुजरात में हम लोगों ने नए प्रोजेक्ट भी सैंक्शन किए। सुरेंद्रनगर राजकोट, वाटवा अहमदाबाद साबरमती फोर्थ लाइन, अहमदाबाद मेहसाणा रेल का विकास, गुजरात जैसे औद्योगिक स्तर पे उभरा हुआ जो राज्य है वहाँ पे और उद्योग आने के लिए होना चाहिए। बहुत ही जल्द बड़ौदा में हम लोग एक नई पहली देश की रेलवे यूनिवर्सिटी भी हम लोग बड़ौदा में खोलेंगे। यानी गुजरात को लेकर हम लोग बड़ी मात्रा में काम करने की हमने शुरुआत की।